डूमरपुर के बीच होगा। पहला पॉइंट पटना को, पटना एक गाजीपुर जीरो। काफी अच्छा शॉट इनकी और अच्छी डिफेंस देखने को मिली पटना के द्वारा और अच्छा गेम इस समय दोनों ही टीमों के तरफ से। अच्छा डिफेंस और पहला अंक मिला गाजीपुर को भी, यानी दोनों ही टीम एक एक से अपना अपना खाता खोल चुकी है। अच्छा शॉट लेकिन अच्छी डिफेंस वहां पे देखने को मिली गाजीपुर की तरफ से और आउट बॉल, यानी अंक मिला पटना को, पटना दो गाजीपुर एक। और सीएनपुरा की धरती पे अच्छे अच्छे धुरंधरों को भरमार, दोनों ही टीम में अच्छे प्लेयर। अंक मिलता हुआ इस समय पटना को, पटना तीन गाजीपुर एक। जितने भी दर्शक खड़े हैं, जितने बच्चे खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो बैठ जाए और पीछे होकर बैठे। बच्चों हमारे बड़े भैया दिनेश भैया अगर आप हमारी आवाज सुनते हो तो बच्चों को कृपया लाइन से बाहर रखें। अंक इस समय बढ़ता हुआ पटना का, पटना चार गाजीपुर दो। अच्छा दोनों ही टीम खेलती हुई इस समय। अच्छा शॉट गाजीपुर का, गाजीपुर अंक लेती हुई इस समय पटना के बीच। और इस समय है दोनों टीम का है पटना चार गाजीपुर तीन। काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है शेरपुरा की धरती पे, लेकिन यहाँ पे पटना के खिलाड़ी द्वारा अच्छा शॉट और अंक मिलता हुआ पटना को, पटना पांच गाजीपुर तीन। खिलाड़ी यो में जोश, लेकिन दर्शकों में खामोशी भरी हुई इस समय। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि शेरपुरा की धरती से उनको तालियों से स्वागत किया जाए। वॉलीबॉल मैच का ये तीसरा लीग मैच गाजीपुर बनाम पटना के विरोध। अच्छा शॉट इस समय, अच्छी वॉलीबॉल देखने को मिल रही है इस समय। गाजीपुर अंत बढ़ता हुआ चार पटना छह। पहले सेट में एक दूसरे को भांपते हुए गाजीपुर और पटना, गाजीपुर अंक बटोरते हुए इस समय गाजीपुर पांच पटना छह। सात और पांच का है। काफी अच्छा समय और लेकिन उतनी चतुराई भरी गाजीपुर के प्लेयर द्वारा, लेकिन खेल इस समय काफी संयम से चलता हुआ धीरे धीरे, लेकिन काफी अच्छा शॉट पटना के द्वारा। नेट पे आने के बाद नेट के ऊपर उछाल भरी और गेंद को वहीं पे दबा दिया। अंक बढ़ता हुआ पटना का पांच, पटना का आठ और गाजीपुर पांच। अच्छा शॉट फिर से पटना के हाथ में जाता हुआ, पटना नौ गाजीपुर पांच। आज सीएनपुरा की धरती पर बड़े बड़े धुरंधर की जमावड़ा के साथ साथ अच्छी टीमों का भी जमावड़ा इस समय गाजीपुर और पटना के बीच में अंक लेने की ओर। अंक गाजीपुर के पक्ष में आया इस बार और काफी अच्छा दबाव, लेकिन उठा नहीं पाए गाजीपुर के प्लेयर, इसलिए पहली बार दोहरे अंक में पहुंचती हुई पटना, पटना दस गाजीपुर छह। काफी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है दर्शकों को, इसलिए दर्शक खामोश
गेले में के काय करता है और दोनों टीम के प्लेयर लाइन में काय है ऊपर क्या शॉट खेल रहे हैं, इसलिए 20 बार अंक मिला गाजीपुर को, गाजीपुर 7 पटना 10। चल छोड़ दो, ये रह दो, काफी अच्छा शॉट आ रहा है मिला पटना को, पटना 11 गाजीपुर 7 जोर आजमाइशी कर रहे हैं, एक दूसरे से अंक बटोरने की कोशिश, काफी अच्छा शॉट लेकिन काफी अच्छा ब्लॉक पटना के द्वारा, और अंक मिला फिर से पटना को, पटना 12 गाजीपुर 7। धीरे ही धीरे सही, लेकिन पटना बढ़ती हुई समय आउट मार बैठे पटना के खिलाड़ी, तो अंक मिला गाजीपुर को, गाजीपुर 8 पटना 12। फासला इस समय दोनों ही टीमों के बीच, और अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट देखने को मिला पटना के द्वारा, नेट के ऊपर से जाके वही विकेट दबाई जहाँ बीच में सेंटर थोड़े से आगे निकल चुके थे और उनके पीछे गेंद टकराया, काफी अच्छा शॉट इस समय, लेकिन आज अंक मिला गाजीपुर को, गाजीपुर 9 पटना 13। आज सीएनपुरा की धरती पे वॉलीबॉल का ये मैच दर्शकों को मुरी करता हुआ, क्योंकि दोनों ही अंक के लिए काफी जुझारू तरीके से खेलिए, दोनों ही टीम में अच्छे प्लेयर नजर